मेडिकल कब कराया था आपने? मेडिकल मैंने अभी लास्ट वीक ही करवाया था ना सर। अच्छा, ठीक है। तो वो डॉक्टर क्या हॉस्पिटल है, क्या है वो हॉस्पिटल टाइप, क्या है वो जहाँ कराया था? सर हॉस्पिटल है, पॉली क्लिनिक सर, पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है सर, काफी बड़ा। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये नाइजर में है, कहाँ पर है, माली में, कहाँ पर है? न्यामे में, न्यामे में सर। शहर कौन, ये मतलब कंट्री कौन सा है ये? नाइजर? सर नाइजर है, नाइजर कैपिटल है सर, कैपिटल नीजर की कैपिटल न्यामे। अच्छा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। बाकी चलो, वैसे क्या चल रहा है वहाँ पर, कोविड का क्या चल रहा है? सर कोविड तो सर यहाँ पे कुछ नहीं है सर अभी, पर मैं वैक्सीनेशन लगवा के आ गया हूँ, प्रिकॉशनरी अच्छा, अभी कनाडा लगवा के। कनाडा जाओगे, अगर जाओगे तब भी वहाँ भी काम आएगा शायद। वहाँ का ये कौन सी लगती है वैक्सीन, कौन सी है वैक्सीन है? को पार्क लग रही है सर, अच्छा, चाइना। ठीक है। बाकी वो बाकी श्रुति ठीक है उधर? हाँ सर वो तो ठीक है सर, वहाँ ठीक है। पे भी सर लॉकडाउन लगा हुआ है। जी, वो स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है कुछ? यस क्या क्या है ये सर, भाई, क्या है ये? भाई तू रो पत्ती हो यार। अच्छा ये धंधा है ना जो वीजा लगवाने का, ये रोने वाला धंधा है वैसे। नितिन आपका क्या हो गया, वीडियो चला गया? नहीं सर, वो फोन आ गया था क्लाइंट। नितिन आपका आपका मेडिकल कामयाब हो गया, कोविड कामयाब है, यू आर गोइंग टू कनाडा। नितिन नीचे मेरा कुत्ता भी बोल रहा है, वो कर रहा है कुछ। नितिन कहाँ गए? नितिन नितिन इधर। सॉरी सर, वो क्लाइंट फोन कर रहा था मेरा कोई सर। चक्कर, कोई कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाओ। आप अफ्रीका में हो, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता था आपको, और ये कोई सीक्रेट नहीं है। यू आर माय फर्स्ट क्लाइंट फ्रॉम अफ्रीका। मेरे क्लाइंट्स तो बहुत करे हैं, बहुत कंट्री से करे हैं, अमेरिका से, सऊदी से, इंडिया से तो है ही है, पाकिस्तान से, पर अफ्रीका से पहली बार क्लाइंट किया है। आई एम वेरी ग्लैड कि यू आर माय क्लाइंट और आपका वीजा लगा है। कितनी बार रिफ्यूज हो गया पहले, दो बार, तीन बार? सर 3 बार हो गया सर, 3 बार रिफ्यूज हो गया है, तीन तीसरी बार बार, सर। तीन बार, तीन बार रिफ्यूज हो गया, चौथी बार में, फोर्थ टाइम इज लकी टाइम। और आज ही रिक्वेस्ट आई है, 21st, आज 21 तारीख की है, और आज ही पासपोर्ट रिक्वेस्ट है। अभी मैं सो रहा था एक्चुअली, भी यहाँ पर शाम के 5 बजे हैं, तो मैं अभी लेटा हुआ था, कुछ सोच रहा था, पता नहीं कुछ क्या सोच रहा था। मैंने मैंने उठ के देखा, मैंने कहा ये मैसेज किसका है, मैं खटक दिखा रहे, मैंने कहा ये तो भाई उसी का है, अफ्रीका वाले का है। अच्छा, मेरे चलो को बहुत भी अच्छा हुआ। इंफेक्शन अच्छा होने वाला है सर, मेरे को भी ऐसा कुछ पता पड़ जाता है सर, कभी बुरा होने वाला होता है, कुछ अच्छा होने वाला होता है ना सर, पता पड़ जाता है। तो सर मेरे को कुछ साइंस मिल रहे थे कि कुछ अच्छा होने वाला है, और सर मेरे को लगा था कि थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छा हो जाएगा, पर सर मेरे को नहीं पता था कि सर 2 दिन बाद ही हो जाएगा। सर जी मैं आपको आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरे से मिलने आए, आगरा में मिलने आए स्टेशन पे, वैसे कोई मिलने आता नहीं ऐसे। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली पास हुआ था दिल्ली से, मैं ट्रेन से, और आगरा में आप मेरे लिए वो पंछी पेठा लेकर आए थे स्टेशन पे, 2 मिनट गाड़ी रुकी थी, और उसको मैंने बहुत धीरे धीरे खाया कि खत्म ना हो जाए वो पेठा वो। और आई ग्रेटली थैंक यू, एंड आई मेट योर वाइफ ऑल्सो, आपकी वाइफ से भी मिले, और बाकी आज ये आलम है कि वीज़ा आपका आ गया है, और थैंक यू सर, मैं आप आपको पता आपके है।
बताएं। आपको पता नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, अब तीन बार रिफ्यूज हो गया, तो सर चौथी बार रिफ्यूज हो जाता सर बहुत हालत खराब हो जाती। निधन सर आप ऊपर वाइफ दूर रहती है तो सर लोग बातें करते हैं। मेरा बहुत मन था तो आप इंडिया में नहीं आओ, वहीं से अफ्रीका से सीधे फ्लाइट लो वहीं से, और वहीं से वहीं सीधे कनाडा जाओ। तो भगवान की कृपा है कि वो आपकी आस्था है और आपका ट्रस्ट है। मेरे को क्लाइंट वो मैं क्लाइंट वो लेता हूँ जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो भाई मैं क्लाइंट लेता नहीं हूँ। तो आपने आपने ट्रस्ट किया मेरे को, पता है आपसे पहले एक साल पहले भी बात हुई थी शायद कंसल्टेशन में, यार कब बात हुई, बहुत पहले बात हुई थी शायद नवंबर में 2019 की सर, नवंबर में कुछ बात हुई थी सर, वो नहीं सर सॉरी 2020 सर, जनवरी के अराउंड, जनवरी फरवरी के अराउंड बात हुई थी सर, क्योंकि सर मैं 2019 में सर मेरी फाइल रिफ्यूज हो गई थी ना, तो सर मैं ऐसे ही सर ढूंढ रहा था सर कोई अच्छा मिल जाए लॉयर, तो सर मैं किसी दिल्ली में सर था उस वक्त, सर दिल्ली में घूम रहा था सर, सब लोग बोल रहे थे विजिटर वीजा लगवा लो तुम्हारा लग जाएगा, सर मेरे को यकीन नहीं था विजिटर वीजा पे, तो सर मेरे को मैं किसी पे गया सर, वो भी सर सरदारी थे, उन्होंने बोला कि तुम बेवकूफ हो मत घूमो, तुम्हारी फाइल वैसे भी तीन बार रिजेक्ट हो चुकी है, मैं तुम्हें देता हूँ ये नंबर, तुम इनसे बात करो, और सर उन्होंने आपका नंबर दिया, उसने उन्होंने बताया कि आपकी यूट्यूब पे वीडियोज है सर, तो मैं वीडियोज भी देखना चालू करा, वीडियोज देखा थोड़ी सर ताकत मिली, फिर सर मैंने आपकी अपॉइंटमेंट ली वाइफ के साथ, फिर फर्स्ट टाइम बात करी, आपने बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे करो जब तक, और जब तक आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहने आती है, तो फिर जैसी सर वाइफ आने वाली थी, वाइफ का प्लान बना, तो सर आपसे फिर दोबारा बात करी सेकंड टाइम, फिर सर आप सेकंड टाइम बात करी, तो सर फिर फाइल रखी थी। वो कौन थे वो दिल्ली में जिन्होंने रेफर किया मेरे, कौन थे जानता हूं मैं उनको, क्या नाम क्या उनका सर, वो कोई सिंगी थे सर, उनकी आईएलएट्स की क्लासेस चलती थी, और वो सर स्टूडेंट वीजा में भी करते थे सर, सर दिल्ली में सर। मैं सर आपको सर्च करके बता दूंगा, क्योंकि सर मैं भी सर गूगल पे ही सर्च कर करके ही जा रहा था, जिसकी रेटिंग्स अच्छी थी उनके पास जा रहा था, तो सर वहां था। मैं भी उनको जाके, मैं भी कनाडा जाने से पहले उनको मिल लूं, दर्शन कर लूं, कौन है भाई जना सर, मैं के बताऊंगा सर, सर वो भी सरदार थे सर, मेरे को सर वहीं पे यकीन हो गया था कि सर किसी ने अगर हिंट दिया है, और सर आपसे एक बार बात करने के बाद और आपकी वीडियो देखने के बाद मैं समझ गया था सर, अगर फाइल लगेगी तो इन्हीं से लगेगी सर, वाइफ से सर मैंने बहुत फाइट करी थी कि है ना नहीं जो भी होगा देखा जाएगा इन्हीं से लगवाऊंगा सर, और मैंने आपसे लगवाई है सर, मेरी वाइफ ने बोला था तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ भी हुआ तो फिर तू ही देखेगा, फिर सर मैंने तो सर रिस्क ले लिया था सर, मेरे को पता नहीं सर कुछ ना कुछ देंगे। सर जी आपका नितिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विश्वास ट्रस्ट किया आपने, और उस ट्रस्ट का जो हम पैसे लेते हैं जो हम काम करते हैं, मेरे को ट्रस्ट की बहुत बहुत एक वैल्यू है, अगर कोई इंसान मेरे पे ट्रस्ट करता है ना तो उसके लिए मैं जान तक लगाने को तैयार हूँ वीजा के लिए, मेरे मैं कोई मैं, तो पता मैं नहीं, क्योंकि सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने बोला था कि जब तक आपको वीजा नहीं मिलेगा ना तब तक मैं फाइल लगाऊंगा, मैंने कि सर अब तो सर से ही लगवानी है छोड़ो, फिर क्या मैं किसके पास जाऊं सर, किसी का कोई भरोसा ही नहीं होता आजकल, लास्ट टाइम भी सर जिसने हमारी फाइल लगाई थी सर उसको तो सर आपने जो भी बताया ना सर उसमें से सर उसके 50% पॉइंट भी उसने क्लियर नहीं किए थे सर, भगवान एक ना ऊपर वाला एक बहाना बहाना बना देता है, वो आपका हमसे मीटिंग हो गई और यू नो जस्ट सर मिल भी लिए सर, बड़ी बात ये है सर, क्योंकि सर उस वक्त रेलवे स्टेशन में घुसना अलाउड ही नहीं था विदाउट टिकट सर, तो सर मैंने अपने अंकल को फोन किया, वो वहीं पे काम करते थे तो ऑफिसर थे बड़े, तो सर उनके साथ ही मैं आया था, आप मिले थे उनसे, तो सर बहुत मुश्किल से अंदर घुसा था सर मैं। ये वैसे बहुत ये पहली बार हुआ है, रेयरली हुआ है कि वैसे ट्रेन चल रही है और ट्रेन में एक स्टेशन पास हो रहा है और मेरा क्लाइंट उसी स्टेशन पे है और मैं उसको फोन करूँ वो मिलने आ गया और 2 मिनट मिलने और चले गए, जैसे लगता है कि बॉलीवुड मूवी चल रही है, उसको फिर मैं उसको ना वो मैं जो आपने जो पेठा लेकर आए थे स्पेशल पेठा, मैं इसको बहुत संभाल के करता जस्ट वो कैजुअल कर रहा था, अभी मैं आगरा फिर जाने वाला हूँ, फिर मैं वही पंची पेठा लूँगा, तो वेरी वे थैंक यू वेरी मच नितिन, आपका यू नो आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने मौका दिया और आपका ये वीज़ा अप्रूव हो गया है, कॉल फिर आपकी फ़ोटो फिर चली गई भाई, अच्छा हाँ सर नहीं जी जी
आप उसको, आप रूपानी को, रूपानी को बता देना, उसको अभी सोन दो, अभी सो रही होगी वो। आपके साथ आऊंगा सर, सर मैं उठेगी तो सर उसको बोलता हूँ फ्री हो तो कॉल करे, फिर मैं कॉल करवाता हूँ सर। आप बताओगे ना सर, मैं भी एक बताऊंगा सर। ठीक है, तो चलो फिर मैं उसको ऐसा करता हूँ कि वो जो अप्रूवल लेटर आ गया है तो आप वहीं पर, आपके वहाँ पर जो जो पासपोर्ट कहाँ जमा होता है उधर, आपके वो जो ऑफिस है वहाँ पर, VFS टाइप ऑफिस है क्या है? हाँ सर, VFS ऑफिस, VFS भी है, VFS ही है वहाँ पर। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस वहीं पर आप वहीं जमा कर देना उसको, और बस जितने दिन लगेंगे, हफ्ता 10 दिन जितने भी लगेंगे, उसके बाद है इससे पहले कि कोविड का बहुत काम बढ़ जाए और लॉकडाउन हो जाए, कैनेडा वनेडा बंद हो जाए, चुप करके जल्दी से निकल के अपना पतली गली से निकल लो बस। यहीं से निकलूंगा सर। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। ए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आई होप टू सी यू समटाइम इन कैनेडा। थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर।